अगर बिना मांगे कुछ मिल जाए उसका कदर कौन करता है? कोई नहीं करता। बहुत ज़्यादा नमक के बराबर हो जाते, मान लो खाने में ज़्यादा नमक हो जाएगा तो उसका टेस्ट तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत घटिया हो जाएगा। ऐसे वाला करते हैं लोग, जो बिना मांगे कुछ मिल जाता है उसका कदर कोई नहीं करता। हेलो गाइज, वेलकम बैक, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ। एक माँ बाप थे, वो लड़के के इंतज़ार में 6 लड़कियाँ पैदा कर ली। वो जो तीसरी लड़की थी, मैं आज उनकी कहानी बताने वाली हूँ। वो लड़की एकदम शांत थी, वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन वो आधे में उसको पढ़ाई छुड़वा दिया। वो ज़्यादा पढ़ाई करेगी, वो चालाक हो जाएगी, फिर बोलेगी हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको इधर शादी नहीं करनी उधर शादी नहीं करनी, ये सोच के उसके माँ बाप ने उसका पढ़ाई रुकवा दी। वो घर के काम नहीं करती थी, वो 6 लड़के तो थे घर में, वो सारे दूसरे लड़के जो थे वो घर के खाना बनाना खाना मतलब बनाते थे। वो लड़की जो तीसरी नंबर लड़की थी, वो हमेशा घर के पास खेती था, वो खेती में काम करती थी। कोई तो उनके बात मतलब माँ बाप की बात सुनते नहीं थे बाकी बच्चे। ये लड़की जो थी वो सबसे होनहार थी, सिंसियर थी, माँ बाप की ओबीडियंट थी, माँ बाप की हर बात वो सुनती थी मानती थी। वो खेती करने के लिए जाती थी, दिन भर उधर ही करती थी, जब भूख लगती थी तब घर में आके खाना खाती थी। उनके माँ बाप बड़े तारीफ करते थे, सबसे तो हमारी यही बेटी अच्छी है, सबसे अच्छी यही है, बाकी बच्चे तो बातें नहीं सुनते, बातें नहीं मानते, ये लड़की हमारी सबसे अच्छी है, बेस्ट है। वो लड़की बहुत खुश हो जाती थी, हमको माँ बाप इतना प्यार करते हैं, बाकी को साथ छोड़ दो, हमको बाकी जैसा नहीं बनना है। वो बाकी ऐसे माँ बाप तो प्यार नहीं करते, हमसे तो ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मन ही मन ज़्यादा खुश होती थी। उसकी माँ बाप वो मतलब दो बड़ा बड़ा तालाब, पॉन्ड नहीं तालाब, वो खुदाई कर लेती। वो लड़की अकेले डेली जाती थी, थोड़ा थोड़ा खुदाई करके आती थी, आके उसकी माँ को बताती, माँ देखो मैं इतना आज कर लिया, उतना ही आज कर लिया। उसकी माँ बड़े खुश होती थी, बोलती थी तुम तो बेस्ट हो, बाकी लड़की की तो मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तुम्हारे जैसे तो कोई नहीं। वो और खुश हो जाती थी, मतलब मेरी माँ कितना खुश हो रही, आज इतना काम करूँगी तो और खुश होगी, कल उतना काम करूँगी तो और खुश होगी, ऐसे सोच सोच के वो काम करती थी। कुछ भी मांगती नहीं थी, कभी पूजा वगैरह फेस्टिवल होता था तो सारे बच्चे लड़ाई करते थे, झगड़ते थे, हमको नई कपड़ा चाहिए, हमको खिलौना चाहिए, हमको उधर घूमने जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनके माँ बाप उनको थोड़ा तारीफ कर लेते थे, झूठे तारीफ। वो सोचती थी शायद वो ही प्यार है, चलो ठीक है, वो ऐसे लड़ रहे झगड़ रहे रो रहे इसलिए तो उनसे प्यार नहीं करते, हमसे तो ज़्यादा प्यार करते, हमको और क्या अच्छा है ज़िंदगी में। जब वो सोते थे तो 6 लड़कियाँ थे, ऊपर से 2 भाई, तो रात को सोने के टाइम में लड़ाई करते थे, मतलब पिलो के लिए वो लड़ाई करते, ये हमको पिलो चाहिए वो बोलते थे हमको पिलो चाहिए, ऐसे करके लड़ाई करते थे। वो लड़की कुछ नहीं करती थी, बस एक बार मांग लिया, उनकी माँ ने बोली छोड़ दो बेटा, वो इतने सारे बच्चे हैं ना, सबको पिलो देना तो पॉसिबल नहीं है, तुम तो मेरे अच्छे बेटी हो ना, तुम चुप के बैठ जाओ, उनको ले जाने दो, तुम्हारी जब शादी होगी ना तुम्हारे ससुराल वाले तुमको पिलो देंगे, पर्सनल पिलो देंगे, तब तुम आराम से सोना, अब छोड़ दो। उसके मन में यही था, मतलब शादी के बाद उसको कोई आइडिया नहीं था, मतलब बाहर देने के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। एक तो उसका घर मतलब उनके घर के आजू बाजू के घर नहीं था, किससे मिलना जुलना उनको नहीं होता था। सुबह होता था वो खेती में जाके काम करती थी, शाम को घर पर आती थी, खाना खा के सो जाती थी, यही उनका काम था। वो मन में मतलब खुश होती थी, जब शादी होगी तो पर्सनल पिलो मिलेगी, शादी के बाद और क्या मिलते, उनको कोई आइडिया नहीं था। एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ कभी भी बच्चों के साथ नहीं खाती थी खाना, क्योंकि इतने सारे बच्चे खाना साथ में खाएं तो खाना तो ख़राब तो होगा ही, हाथ में डालेंगे कोई हाथ डालेगा ऐसे मतलब खाना खराब हो जाएगा। उसके माँ बाप किसी के साथ नहीं खाते थे, अकेले अकेले खाना खाते थे। उस दिन वही तीसरे वाले बेटे को बुलाए, बुला के बोले हमारे साथ खाना खाओ। वो बेटी बड़ी खुश हो गई, बड़ी क्या बात है, आज मेरी किस्मत खुल गई, मेरी माँ मुझे साथ में खाना खिला रही है। जैसे खाना खाने के लिए बैठी, उसका माँ का ड्रामा हो गया, ऐसे ऐसे करने लगा इसकी माँ। बोले क्या हुआ माँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, क्या हुआ माँ, तबीयत तो सही है ना तुम्हारा? बोले बोले तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं, तुम्हारा घर में आज आखिर दिन है, आज आखिरी बार खाना खा लो,
वो मतलब आश्चर्य हो गया, मतलब आखिर क्या, मतलब क्या है, आखिर क्यों है माँ, मैं क्या मरने वाली हूँ? बोले नहीं नहीं मरने वाले तो नहीं, आज तुम्हारी शादी है। वो बोले शादी मेरी, मतलब क्या बोल रही हो माँ, कोई मतलब रिश्तेदार आया नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं, किधर शादी है, किसके साथ शादी है, कौन से गांव में शादी हुई? बोले तुम चुप हो जाओ, तुम लड़की हो, तुमको इतने जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमने फाइनल कर दिया है, अभी लड़का आता होगा, दिन का टाइम था। वो मतलब ऐसे स्टैचू हो गई वो लड़की, सोच रही थी मेरी माँ ने क्या बोल दिया। फिर बोले चलो ठीक है, माँ बाप है, बच्चों के लिए तो बुरा कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ सोच के रखे होंगे, अच्छा ही सोचे होंगे, कुछ बुरा तो वो करेंगे ही नहीं। कुछ टाइम में उनका गाड़ी आया, कार में उनका होने वाला पति, वो मंदिर में जाके शादी कर ली। जमीन जायदाद तो उनके पास बहुत ज़्यादा थी, एक तो लड़के के पास बहुत ज़्यादा थी, उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा लड़की के घर में थे जमीन। लेकिन वो क्या था, जो लड़का था वो ऐसे बोल देता, मतलब हमको कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, ये है वो है, हम सब कुछ दे देंगे, बस आप लड़की दे दें, वही बात है, बहुत है हमारे लिए, लड़की हमको पसंद है। इसके चुपके से वो लड़की को दिखा दिया, मतलब गांव में एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से वो पानी ला रही थी, उसी टाइम में वो लड़का को बुला के दिखा दिया वो लड़की के माँ बाप ने। वो शादी करके वो ससुराल में चली गई, मन में यही था, कुछ तो ड्रीम थी नहीं उसकी, ससुराल के बारे में कोई आइडिया नहीं थे, बस एक ही मन में था, आज के बाद हमको एक पर्सनल पिलो मिलेगा सोने के लिए, माँ ने बोली थी। इतना इनोसेंट थी वो, सारे गांव वाले थू थू करने लगे, सारे रिश्तेदार थू थू करने लगे, ये क्या बात है, वो लड़की इतना शांत है, इतना साइलेंट है, वो इतना सिंसियर है, सबकी जितने आपके जितने बच्चे हैं सबसे बेस्ट बोई थी, फुल एरिया में वो अच्छी बच्ची थी, आपने कैसे ऐसे शादी कर ली चुपके से, जैसे मान लो अनाथ आश्रम का बेटी है वो, अनाथ आश्रम उठा के जैसे शादी करवाते हैं, इसे कैसे कर लिया शादी, किसी को कोई काना कान खबर नहीं, सब लोगों ने गाली दी उनके घर वालों को, उनके माँ बाप भी गाली दिए सबको, और तुमको क्या मालूम होगा, हमारे पास बहुत सारी लड़की है, हमको टेंशन है, इसके बाद एक शादी करना है, एक अच्छा रिश्ता था तो कर दिए, हमको टाइम नहीं हुआ रिश्तेदार को खबर देने के लिए, झगड़ा करने लगे, फिर गाँव वाले चले गए। जब शादी करके वो गई, उसका पति जो था बड़ा गुस्सा आदमी था, उसको बातें बातें पर ताने देता था, गाली देता था, मारता था, मतलब ताने मारता था, तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पहले तो बोल दिया कुछ नहीं चाहिए, जब शादी हो गया, ये लड़की का माँ बाप थे बड़े कंजूस, अगर कोई बोल रहा है कुछ नहीं चाहिए तो वो क्यों देंगे, वो कुछ नहीं दिए, बोले लड़का का घर बार तो अमीर है, उनके पास सब कुछ है, अगर बोल रहा है सब कुछ दिला देंगे, बेटी के लिए सब कुछ करवा देंगे, तो हमको देने की जरूरत नहीं है, तो दोनों की दोनों कोई कुछ नहीं दिया, बस उसका पति ताना दे रहे थे, गाली दे रहे थे, उनको खाना बनाना तो नहीं आता था, क्योंकि वो सुबह से शाम तक वो खेती पे काम करते थे, वो खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उनको जो सास थी ना वो देवी थी, देवी वो बहुत मदद करती थी, बोले नहीं बेटा तुम काट के ऐसे करके दे दो, ये कर दो वो कर दो, सारा काम कर दो, खाना मैं बना देती हूँ, तुम्हारे पति को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, वो खाना फेंक देता है, मारता है, गाली देता है, मैं खाना बना देती हूँ। वो लड़की जो थी ना वो सब कुछ काम कर लेती थी, उनके सास को हेल्प करती थी, उनके सास जो है ना बड़ी अच्छी थी, वो खाना बना कर देती थी, ऐसे कर करके उनके मतलब बच्चे भी हो गए, वो माँ भी बन गई। उनके पति को काम धाम कुछ करना आता नहीं था, बात जमीन जायदाद ज़्यादा था, लेकिन काम करना कुछ नहीं आता था, वैसे मामले में मतलब वो प्रॉब्लम हो रहा था उनको, वो सबके साथ रिश्ता धीरे धीरे करके ख़त्म कर लिए, मैके वाले से रिश्ता तोड़ दो, आस पड़ोस से रिश्ता तोड़ दो, किसी साथ मिलना नहीं जुलना नहीं, किधर जाना नहीं, घर में रहना है, मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे करके वो लड़की भी बोले ठीक है शादी हो गई है, अब पति का घर तो मेरा घर ही है, पति जैसे बोल रहे ऐसा तो करना पड़ेगा, वो सबके साथ रिश्ता मतलब काट दी, मायके वालों से सबके साथ किधर जाना आना उसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं था, उनके लिए कोई परमिशन नहीं थी, ऐसे करके करके वो जिंदगी निकाल दी। इतना दुख देखी जिंदगी है, इतना तकलीफ झेले, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम आपको, ना तो मैं समझा पाऊँगी ना तो आप लोग समझ पाएंगे, इतना दुख इतना दर्द, और इनमें से जो खास बात है ना वो राज की बात है,
वो मैं नहीं बता सकती। जो सबसे बड़ी दुख है वो मैं नहीं बता सकती। और वो लड़की कौन है पता है? वो है मेरी माँ। रखती हूँ, बाय बाय।